हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं पटेटो नगेट्स बना रही हूँ। देखिए आप इसकी रेसिपी। पटेटो नगेट्स बच्चों को बहुत प्रिय है। घर पर किस प्रकार बन सकता है तो आप देखिए। उसके लिए हमें क्या क्या लगेगा। मध्यम आकार के चार आलू है। मध्यम आकार के चार आलू लगेंगे। ये मेरे पास आलू है, मैं इनको छील लूँगी। और इसमें हमें क्या क्या लगेगा, ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये चीज़ है, थोड़ा सा चीज़ डालेंगे, ये कॉर्नफ्लावर है, ये इसमें चीनी फ्लेक्स है, और ये थोड़ी सी हम अजवाइन डालेंगे तो इसका अच्छा टेस्ट आएगा। ये नमक है स्वाद अनुसार, ये काली मिर्च है, काली मिर्च का पाउडर, और हम इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली डालेंगे। ये ग्रीन चिली है और ये धनिया पत्ती है। ये आलू मैंने मैश ली हूँ, आलू मैंने किसने में किस ली। अब मैं इसमें ये सब सामग्री डालेंगे। ये चीज़ है, ये चीज़ डालेंगे, दो चम्मच चीज है, ये दो चम्मच कॉर्नफ्लावर है, नमक स्वाद अनुसार, ये चिली फ्लेक्स है, ये थोड़ी सी अजवाइन है, ये डालेंगे, काली मिर्च पाउडर, दो चम्मच ब्रेड क्रम्स, ये ग्रीन चिली, और ये धनिया पाउडर, धनिया पत्ती। अब हम इसको मिला लेंगे। ये हमने पूरी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आधा घंटा हो गया है। अब हम नगेट्स बनाने की तैयारी करेंगे। पैन में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो रहा है। जब तक हम कॉर्नफ्लावर का घोल बना लेंगे। हमने एक चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, अब इसका हम घोल बनाएंगे। ये हमारा घोल तैयार हो गया, ये ब्रेड क्रम्स आ गया। अब मैं इसको हाथ में ऑयल लगाएंगे। और हम इस प्रकार लंबाई से इसको बेल लेंगे। फिर इतने बड़े बड़े पीस काट लेंगे। अब हम इसको ऐसे हाथ की सहायता से इस प्रकार के बना लेंगे। आप ये अपने हिसाब से बना सकते हैं। बड़े बनाना है, बड़े चौकोर बनाना है, चौकोर मैं ये ओवल आकार के बना रही हूँ, ओवल आकार के बना रही हूँ।
आप इसको गोल भी बना सकते हैं। ये हम लोग जो किटी पार्टी करते हैं उसके लिए ये स्टार्टर बहुत बढ़िया है। इसका स्टार्टर बना के हम सर्व कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, अब हम इसको इसमें डिप करते जाएंगे इस प्रकार। अब ब्रेड क्रम्स में रखते जाएंगे। इस प्रकार हम लपेटते जाएंगे। इस प्रकार कोट करते जाएंगे। आज हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डीप फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हमको मीडियम रखना है, हमको इसको गोल्डन ब्राउन करना है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे आलू नगेट्स बनके तैयार हो गए हैं। ये ग्रीन चटनी है, ये ग्रीन चटनी के साथ ये टमाटो सॉस है, इसके साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। आलू नगेट्स, ये टमाटर की चटनी, ये टमाटर सॉस है, ये ग्रीन चटनी है और ये आलू नगेट्स है। आप एक बार ज़रूर बनाइए और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पटेटो नगेट्स, स्पाइसी पटेटो नगेट्स।